Hi dear kids, good morning. Yesterday we learned about the question answers of this lesson and I hope you all have learned it and noted down on your notebook. Now let us continue the exercise. First one is match the items in list 1, list first with their meaning in list 2. लिस्ट फर्स्ट में जो वर्ड दे रहा है उसको इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश में अलग मीनिंग लाइक सिनोनिम्स या इस तरह जो एक वर्ड का दूसरा वर्ड ए इक्विवेलेंट मीनिंग देते हैं उसको अपन को फाइंड आउट करना है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज वोंडेड. वोंडेड का मतलब क्या है? अब एक्चुअली अब सेवेंथ क्लास में आगे अभी मीनिंग सब हिंदी में नहीं समझना चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश समझना चाहिए. अगर वोंडेड उसको इक्विवेलेंट वर्ड्स क्या है, सीवियरली इंजर्ड. क्या है? सीवियरली इंजर्ड. वुंड का मतलब सीवियरली इंजर्ड. ओके, नेक्स्ट वन वुंडेड मीन्स चोट पड़ना है, उसको सीवियरली इंजर. इंजरी मीन्स वुंड, दोनों सेम मीनिंग. एवोक, एवोक का क्या है इसमें से देखना कौन सा मीनिंग आते हैं, बता सकते हैं? गॉट अप फ्रॉम स्लीप. अवेक मीन जागना, गॉट अप फ्रॉम स्लीप नींद से उठना. सेकंड राइट, फॉरगिव. फॉरगिव का मतलब क्या है, दूसरा मीनिंग क्या है? पार्डन. फॉरगिव मी या अपन इसे बोलते हैं पार्डन मी, पार्डन. ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है. अपन सॉरी बोलते हैं ना, सॉरी की जगह पार्डन बोलते हैं. ठीक है, फेथफुल. फेथफुल का अपन को पता है लॉयल क्या है, लॉयल. फोर्थ वन फॉर पिटी, फील सॉरी फॉर. पिटी का मतलब है फील सॉरी फॉर. फाइव है ना, फाइव फील सॉरी फॉर. नेक्स्ट वन बेट्स. तो अपन इस लेसन में पढ़ा था बेट्स का मतलब क्यों, वो खेती में कुछ बेट्स बना रहा था. वो बेट्स क्या होता है, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट. अपन प्लांट उगाने के लिए जो खेत में जो पैचेस बनाते हैं उसको बेट्स कहते हैं. राइट, सिक्स. नेक्स्ट वन रिटर्न. रिटर्न का मतलब रिटर्न. सेवेंथ वन गिव बैक, कोई भी चीज वापस लेते हैं उसको अपन रिटर्न बोलते हैं. ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर ई कंप्लीट, आप कॉपी में उतारना. नेक्स्ट है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज टू ब्लैंक्स. नीचे दिया हुआ सेंटेंस में दो खाली जगह है, यू हैव टू फिल. फिल इन द blanks with appropriate forms of the words given in the brackets. ठीक है ना, so example आपको दे रखा है इधर, he has dashed to help me, bracket में दे रखा है promise, है ना. do you think he will remember his dash? so first one में लिखा है he has promised, इधर has आ गया ना, तो second form of the sorry third form of the verb भी आएगा. राइट, अगर इधर हैज आ गया ना तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. ही डिसाइड, ही हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, उन्होंने वो मुझे मदद करने का वादा किया है. डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस, क्या आप सोचते हैं उसका उन्होंने जो वादा किया वो याद रखेंगे. ठीक है, तो सेकंड में क्या प्रॉमिस ही आया, नाउन ही आया इसमें. ठीक है ना, लाइक हियर द डैश said that only fresh evidence would make him change his judgment. Sorry, वो change his dash. उसमें judge दे रखा है. ठीक है, तो इसका अलग अलग दो form से fill up करना है. The dash, the noun आना चाहिए. क्या है? Judge. Judge कौन होता है आपको पता है, जो court में जो बैठते हैं अपन को न्याय दिला देते हैं उनको जज कहते हैं ना. तो इधर फर्स्टली
सेम वर्ड आएगा द जज, राइट, द जज, जे यू डी जी ई, जज। और इधर अपन को देखना है जज अपन को क्या देते हैं, जजमेंट देते हैं ना। द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। अगर चेंज जजमेंट में कोई चेंजेस करना है तो उसको फ्रेश एविडेंस चाहिए, तो इधर क्या आएगा, जजमेंट, जे यू डी जी ई एम ई एन टी, एक यू नहीं जी ए, जजमेंट, ठीक है। सेकेंड वन, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेट्स। डिबेट्स में ज्यादा उनका जो राय में कोई फर्क अंदर नहीं देखा, नहीं फील किया, तो अंदर का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोलते हैं, क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस, आर ई डी आई डब्ल एफ ई आर ई एन सी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेट्स, ऑल्दो दे डिफर फ्रॉम वन अनदर। इधर डिफर का मतलब है अलग अलग, सब छोटा छोटा पॉइंट में अलग अलग हो, लेकिन उनका जो ओपिनियन में ज्यादा अंदर नहीं आया। डिफरेंस मीन्स अंदर और डिफर मीन्स अलग अलग, ठीक है, डिफर। आई डोंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स। डिबेटर्स में बैठा उनको ओपिनियन में ज्यादा अंदर नहीं फील किया, ऑल दो दे डिफर, वो छोटा छोटा पॉइंट में अलग अलग व्यूज थे, लेकिन उनका जो ओपिनियन में कोई डिफरेंस नहीं देखा। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश, बट विल यू एक्सेप्ट माय डैश एज फाइनल। इट इज फेयरली सिंपल टू, सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, आंसर करने के लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, सही है ना, दोनों में ये दोनों जगह सेम वर्ड आएंगे, ए एन एस डब्ल्यू ई आर। इट इज फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, ये आंसर देने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बट विल यू एक्सेप्ट माई, आप मेरा जवाब एक्सेप्ट करोगे, तो इधर भी जवाब है, तो क्या आएगा, आंसर, दोनों जगह आंसर ही आएगा, ए एन एस डब्ल्यू ई आर, आंसर, दोनों जगह सेम वर्ड आएगा। इट इज फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, आंसर देने के लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल, मेरा जवाब आप फाइनल मानोगे क्या, आया समझ में, इधर है नेसेसरी, जरूरत। इट इज नॉट डैश दैट डैश शुड बी, शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। अपन ऐसे क्या कहते हैं, प्रोवर्ब बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, अपन नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, बट यह क्या कहना चाह रहे, इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, एन ई एन E C E double S A R Y. It is not necessary. It isn't necessary that necessity. इधर क्या वर्ड आएगा? Necessity is the mother of, should be the mother of invention. है ना? N E C E S S I Y, necessity. Are you clear? It is not necessary that necessity should always be the mother of invention. ठीक है? It is not necessary, जरूरी नहीं है. Normally कहावत में अपन ऐसे बोलते हैं, proverb में ऐसे बोलते हैं, necessity is the mother of all invention. तो इसमें एक कहना है, it is not necessary, ऐसे कहना जरूरी नहीं है. It is not necessary का मतलब ऐसे जरूरी नहीं है. ठीक है? That necessity should be always, should always be the mother of invention.
Okay. Hermits are dash men. Hermit dash men. अपन को पता है hermit always wise होते हैं ना. Hermits are wise. Hermits are wise men. How they acquire their dash, no one can tell. वो उनका जो ज्ञान कहां से लिया वो किसी को पता नहीं है ना. तो इधर उनको acquire their ज्ञान विस्डम क्या बोलते हैं, विस्डम. जो ज्ञानी लोगों को विस्डम ज्यादा होते हैं ना, आप लोगों को भी होना चाहिए विस्डम. क्या है, हर्मिट्स आर वाइस मैन. हाउ दे अक्वायर देयर विस्डम नो वन कैन टेल. कोई भी नहीं बता सकते उनका विस्डम, उनका ज्ञान वो कैसे प्राप्त किया. अक्वायर करना मतलब अक्वायर माना प्राप्त करना. ठीक है, क्लियर हो गया ना. अब नेक्स्ट वन देखते हैं. Sixth one. The committee has dash to make Jagdish captain of the team. Committee has क्या ना चाहिए आप लोग बोलो. The committee already decision ले चुका है Jagdish को captain बनाने के लिए, है ना. Then the dash is likely to please everyone. वो decision इधर क्या ना चाहिए, वो जो decision ले चुका है ना already captain जगदीश को कैप्टन बनाने के लिए, तो वो डिसीशन सबको सहमत हो गया है ना. तो फर्स्ट में क्या आएगा, द कमेटी हैज डिसाइडेड, डी ई सी आई डी ई. ये सब आप लोग खुद ही करने का चीज है, फिर भी मैं समझा कर दे रहा हूं. आगे लेसन में आपको ये सब चीज खुद फाइंड आउट करके करना है, इस तरह का फिल इन द ब्लैंक सभी. ओके, तो इधर सेकंड में जो डिसीजन लिया वो सबको पसंद आ गया, तो इधर क्या आएगा, डिसीजन, डी ई सी आई एस आई ओ एन, डिसीजन. ओके, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, और द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, सबको पसंद आ गया. ओके, नेक्स्ट वन, आस्किंग फॉर dash is noble as willingness to dash. अब माफी मांगना माफी देने से उतना important है, इतना अच्छा काम है. ठीक है ना, माफी मांगना माफी देने के जैसे ही important है, अच्छा काम है. अपन गलती किया तो माफी मांगना चाहिए, अगर दूसरा कोई अपन को गलत अपने साथ गलती किया तो उनको माफ देना चाहिए. दोनों नोबल काम है, अच्छा काम है ना. जो गलती करने से माफ मांगना और अपन कोई अपन के साथ गलती किया तो माफी का माफ करना, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, नोबल काम. आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. F-O-R-G-I-V-E-N-A-S-S, forgiveness. Asking for forgiveness is as noble as willingness to forgive. आया समझ में? So, अपना all lessons, all the second lesson, all exercises have been completed, all question answers have been completed. Now, it is your turn to learn it and note it down all the exercises and question answers in your notebook and check it out, get it checked from the office every 15 days. Okay, thank you. So now the things, let us speak and write. It is your duty to finish this puzzle and like this. Okay, thank you very much.